पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में इस बिल्ली को उठा लिया मैंने। इतनी तेज भागते दिख भी नहीं रही। हाँ? ए, ए, ए! पीछे लुकिया, ये देखो सामने बॉट आया, छुपती हूँ। आजा देखो, खुशी डरो, चिपक जाओ, डर जाओ। वो मैं ही भूल कर हो गई। सुबह मैंने उसको बोला था कि जरा मंदिर जाना शादी से पहले, दर्शन करके आना है, शुभ दिन में तो दर्शन करने चाहिए, तो बोला था और मैं भूल गई। बोलो तब हेलो, थैंक यू सो मच। शादी में दुल्हन का लेट आना मतलब बवाल तो तय है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, तो लेट पता नहीं क्यों हुई है, लेकिन मेरे भाई ने मुझे एक पेपर देकर भेजा था कि यार जा जाकर साइन करा के ला। तो मैं जाता और मुझे पता चलता है कि वो मतलब थोड़ा सा मुझे इंस्टिंक्ट आता है कि ये है नहीं, बट ठीक है, मुझे दामा ने कहा कि वो मंदिर गई आ जाएगी। लेकिन मुझे बाद में पता चलता है कि वो भाग गई है, लेकिन एक्चुअली भागी नहीं है, उसे कोई और उठा कर लेकर गया। तो ट्विस्ट एंड टर्न तो यही है कि उसे कोई तो लेकर गया है, और जो लेकर गया है वो बहुत ही करीबी इंसान है। फिर वही मैं बचाने जाऊंगा हीरोइक एंट्री से, उसको वापस लेकर आऊंगा मंडप में। ये सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है। यही कि थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस, और वो लोग हमें बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं हमारी जोड़ी को, और मुझे अच्छा लग रहा है ये देख कर। और यही चीज़ एक ताकत देती है आपको कि आप और ज़्यादा एंटरटेन करो लोगों को।